जनपद संभल की चंदौसी में सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में बुलाया गया भारत बंद का आंशिक असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में कई बैंक यूनियन शामिल होने वाली हैं। जिन ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया है, उनका दावा है कि केंद्र सरकार की ओर आर्थिक और जन विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे लेबर लॉ का भी विरोध किया जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन की ओर से शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है। यूनियन की मांग है कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों से बात कर नीतियों को आगे बनाना चाहिए। इसी मामले को लेकर चंदौसी में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी भारत बंद में शामिल हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन के द्वारा बुलाया गया भारत बंद का चंदौसी में आंशिक असर नजर आया। ज्यादातर कार्यालय खुले हुए हैं। कोई भी कर्मचारी अपने जॉब पर नहीं आया है जी, क्या मामला है? सर, सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध पे हमारे क्लास 3 और 4 की यूनियन ने, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय और फेडरेशन ने एक अपना आज का आह्वान बंद किया है। ऑल इंडिया वैसे सारी 10 ट्रेड यूनियंस हैं ऑल इंडिया में, इन सब का ही भारत बंद आज है। इसके समर्थन में इन्होंने हमारा यूनियन भी ये बंद किया हुआ है, तो इस कारण से आज हमारा कैश लेन देन वगैरह का कार्यक्रम थोड़ा बाधित रहेगा। बाकी पॉलिसी से संबंधित जानकारी या और कोई जानकारी देने के लिए हमारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो जानकारी कस्टमर को दे सकते हैं। केवल PM का जमा वाले पे थोड़ा सा इस पर व्यवधान उत्पन्न होगा, बाकी सारे काम सुचारू।